ओडिशारे केउठारे लुचिछंती आतंकवादी कौन समानक गतिविधि ओडिशाकु जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश आतंकवादी आसीथिबा नै कोलकाता एसटीएफ अलर्ट करबा परे ताकुने बढ़िछे चिंता पूर्वरो एनआईए मध्य ओडिशाकु अलर्ट करैथिला 2019 अक्टोबर रे ओडिशा पुलिस अफिसर मानंकु एनी तालिम भी दिया जायथिला परे एनआईए मुख्य ओडिशा आसाम ओ झारखंड रे जमात उल मुजाहिदीन रो गतिविधि बढ़ुथिबा नै मध्य अलर्ट करैथिले कोलकाता पुलिस रो स्पेशल टास्क फोर्स बांग्लादेश आतंकवादी संगठन जमात उल मुजाहिदीन रो तीन जन संदिग्ध आतंकवादी को गिरफ्त करिछे पुलिस को यह आतंकवादी देइथिबा सूचना अनुसार ओडिशा रे लुचिछंते किछि आतंकवादी कोलकाता रो गिरफ आतंकवादी हेले नजीउर रहमान शेख सबीर ओ रबीउल एमानक दुई जन सहयोगी शेख सकील एवं सलीम मुंसी फरार अछंते एमाने कोलकाता रो हरिदेवपुर रे थिबा एक भड़ा घरे नकली आधार कार्ड करि रहथिले फेरार होइथिबा सलीम मुंसी एमानंकु घर एवं आधार कार्ड जोगाइथिला एमाने निज परिचय छड़ा मरामती कारीगर एवं फल व्यवसाय भाबे काम करूथिले युवकंकु निज संगठन रे सामिल करबा पई प्रवर्ताउथिले पूर्वरो गिरफ होइथिबा निज सहयोगींकु छड़ाइबा पई पुलिस उपर आक्रमण करबाकु योजना करूथिले 2014 रे बर्धमान विस्फोरण रे एमानंकु संप्रुक्ति थिला चढ़ाव बेले अनेक बोमा तयारी करिबार सामग्री जबत होइछि पिछले कुछ समय से असम झारखंड एवं उड़ीसा में पिछले कुछ समय से जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश की गतिविधियों में काफी बढ़ोतरी हुई है तथा इन सभी राज्यों में पुलिस द्वारा अलग अलग प्रकरणों की विवेचना की जा रही एनआईए द्वारा इन प्रकरणों की पैन इंडिया बेसिस पर विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स की आड़ में जेएमबी द्वारा उपरोक्त राज्यों के अतिरिक्त देश के अन्य राज्यों जैसे बिहार कर्नाटक केरल महाराष्ट्र इत्यादि में भी अपनी गतिविधियों का विस्तार किया है एनआईए द्वारा जेएमबी से जुड़े हुए 125 संदिग्ध अभियुक्तों की लिस्ट सभी संबंधित एजेंसियों को सर्कुलेट की गई है